हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह है बोकारो का रेलवे स्टेशन। आज मैं आपको बोकारो स्टील सिटी से न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के सफ़र पर लेकर चलता हूँ। बोकारो सिटी फेमस है अपने बोकारो स्टील प्लांट के लिए। यह है 20839 रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसका बोकारो पहुंचने का समय 8:10 पे है और 8:15 पे ये डिपार्चर करती है बोकारो स्टेशन से। यह है राजधानी ट्रेन का टॉयलेट, तो साफ़ सुथरा है और अच्छी खासी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कोविड के टाइम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर ये राजधानी ट्रेन रांची, बोकारो स्टील सिटी, कोडरमा, गया, मुगलसराय, कानपुर होते हुए न्यू दिल्ली जाती है। बोकारो से न्यू दिल्ली का किराया इस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का 2000 के लगभग है। इस ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर होता है, जैसे जैसे सीट फिल होते जाएंगी किराया बढ़ते जाता है। बोकारो स्टील सिटी से न्यू दिल्ली का डिस्टेंस लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, जिसे ये ट्रेन लगभग 14 आवर में कंप्लीट करती है। यह है कानपुर का रेलवे स्टेशन। कानपुर ये सुबह सुबह 5:42 पे पहुंचती है और 5:47 में ट्रेन प्रस्थान करती है कानपुर के रेलवे स्टेशन से। कानपुर एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, यहाँ से बहुत सारी जगहों के लिए ट्रेन मिलती है। Thank you.
ट्रेन में सफ़र के दौरान विंडो से बाहर का नज़ारा देखने का अलग ही मज़ा है, जो आपको बोर फील नहीं कराएगी ट्रेन के जर्नी के दौरान। राजधानी ट्रेन में सफ़र करने का एक ख़ास फ़ायदा ये है कि ये बहुत कम समय लेती है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, या बाकी ट्रेनें ज़्यादा समय लेती है तो उसी डिस्टेंस को काफ़ी कम समय में कंप्लीट कर लेती है। ट्रेन का सफ़र करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन साहिबाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल होते हुए जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 10:55 सुबह पहुंचने का टाइम है। COVID-19 पैंडमिक के दौरान ट्रेन यात्रा में, खासकर एसी कोचेज में, कोई बेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और कोई कैटरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। वेंडर हैं जो ट्रेनों के अंदर खाना बेचते हैं, उनसे खाना परचेज किया जा सकता है। और ये सुहाना सफ़र ट्रेन का जर्नी करते हुए पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन।